किसानों ने यह भी मांगा है कि उनको 10,000 रुपए पेंशन दी जाए 60 साल से ऊपर के जो किसान है। अब हम तो यहां पर सिर्फ सरकारी एम्प्लॉयज को पेंशन मिलती है, बाकी किसी किसी भी समाज के वर्ग के लिए इस तरीके की सोशल सिक्योरिटी नहीं है। अटल पेंशन योजना या एनपीएस जैसी स्कीम जरूर चलती है, पर ऐसी पेंशन जो सरकार से सीधा आए ऐसा कोई प्रावधान इस समय नहीं है। और सरकार तो पहले ही ओल्ड पेंशन सिस्टम ओपीएस जिसको हम कहते हैं उससे एनपीएस की तरफ जाने की वकालत कर रही है, क्योंकि उसका फिस्कल लोड देश के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ रहा है। युवाओं की नौकरियां उस वजह से नहीं निकल पा रही है क्योंकि बहुत सारा पैसा पेंशन में चला जाता है। ऐसे में एक नई पेंशन को स्वीकार करना, ऐसे में एक नया पेंशन का विकल्प एक्सेप्ट कर लेना, मैं समझता हूं कि संभव सरकार के लिए नहीं होगा। ये मांग भी मुझे लगता है कि पूरी करनी सरकार के लिए इस समय देश की बैलेंस शीट को देखते हुए संभव नहीं है। एक और मांग का मैं जिक्र करना चाहूंगा, किसान चाहते हैं कि भारत WTO के समझौते से बाहर आ जाए। और शायद हमारे किसान भाई ये नहीं जानते कि WTO से समझौते से बाहर आने का मतलब क्या होता है। भारत एक तरह से अलग थलग पड़ जाएगा। इस समय हमारा $775 बिलियन का एक्सपोर्ट है और इससे भी ज्यादा का हमारा इंपोर्ट है। कितनी इंडस्ट्रीज, कितने बिजनेसेस, कितनी कंजम्पशन इस ट्रेड पर आधारित है, कितनी अर्थव्यवस्था इस ट्रेड के बिहाफ पे इसके बिना पर चलती है। ऐसे में अगर हम WTO से बाहर आ जाते हैं तो हम दुनिया से अलग थलग पड़ जाएंगे। बहुत सारे देश हमसे ना आयात करना चाहेंगे ना निर्यात करना चाहेंगे, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं भारत की क्या परिस्थिति होगी। तो मुझे लग रहा है किसान इस वजह से कि हम WTO से प्रेशर आता है सब्सिडी हटाने का, इस वजह से हम WTO से अपने आप को अलग कर ले, ये कतई संभव नहीं नजर आता है। किसानों को इस बात को समझना होगा। अगर हम 2014 से 2024 तक देखें तो मुझे लग रहा है किसानों को सरकार की मंशा देखनी चाहिए। अगर ये सरकार किसानों के खिलाफ है तो मैं आंदोलन को जायज मानता हूं। अगर ये सरकार किसानों की तरफ से इग्नोरेंट है, यानी कि किसानों की परवाह नहीं करती, तब भी मैं इस आंदोलन को जायज मानता, परंतु ऐसा तो है नहीं। क्योंकि अगर हम लिस्ट गिने कि इस सरकार ने 2014 के बाद और आज तक किसानों के लिए क्या क्या किया है, और लिस्ट की शुरुआत होगी पीएम किसान निधि से, जो किसानों के खाते में सीधा सीधा साल के 6,000 रुपए डाले जा रहे हैं DBT के माध्यम से। इसके अलावा ना जाने कितनी ही स्कीम्स निकाली गई है, बल्कि प्रधानमंत्री जी ने तो अभी हाल में कहा कि मुझे सिर्फ 4 जातियों से मतलब है इस देश में, GYAN, जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी। जब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि मैं सिर्फ इन 4 जातियों की तरफ ध्यान देना चाहता हूं, तो ऐसे में ये किसान कैसे ये सोच सकते हैं कि सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही, सरकार हमारी आमदनी पर ध्यान नहीं दे रही। और अगर आमदनी की भी बात की जाए तो 2014 से 24 तक लगातार प्राइसेस बढ़े हैं। इलेक्शन से मात्र 2 महीने पहले किसानों का इस प्रकार आंदोलन करना इस बात का भी संकेत करता है कि वो सरकार के ऊपर इलेक्शन को देखते हुए प्रेशर डालना चाहते हैं, या इसको मैं यूं कहूं कि इसके पीछे कहीं राजनीतिक कारण हो सकते हैं, किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का हो सकता है पीछे सपोर्ट हो। क्योंकि ठीक इलेक्शन से पहले वो एक ऐसा नैरेटिव बनाना चाहते हैं कि देखिए सरकार किसानों के हक में नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि इस समय जब पार्लियामेंट सेशन खत्म हो चुके हैं, किसान चाहते हैं कि एक ऑर्डिनेंस लाया जाए, या शायद उनके दिमाग में यह है कि एक स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन बुलाया जाए, मुझे लग रहा है कि ये मांग, ये जो समय है मांग का, जो टाइमिंग ऑफ डिमांड है, ये साफ तरीके से ये संकेत कर रही है कि कहीं कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइजेशन पीछे छुपी हुई है। इस बात पर भी किसानों को विचार करना पड़ेगा कि वो किसी राजनीतिक पार्टी का मोहरा ना बने। इसमें जितने भी किसान हैं वो मोहरा ना बने और वो स्वतंत्र मन से, स्वतंत्र दिमाग से सोचे कि क्या सरकार उनके हित में है या उनके खिलाफ है। सरकार ने किसानों के आगे एक बहुत अच्छा विकल्प रखा, दालें हो गई, मेज हो गया। सरकार ने इन कुछ फसलों को उठाकर और किसानों को यह प्रपोज किया कि हमारी सोसाइटीज, नेफेड जैसी सोसाइटीज, 5 साल के लिए आपसे ये सारी फसल खरीदेंगी, जितना मर्जी आप प्रोड्यूस करें इन्हीं फसलों में। किसानों ने उसको रिजेक्ट कर दिया।
मैं समझता हूं सरकार की तरफ से एक अच्छी शुरुआत थी, क्योंकि इससे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जो फसलों का विकल्प धान और गेहूं के अलावा अगर हम दूसरी फसलों पे जाना चाहते हैं, और ये फसलें महंगी भी हैं, तो मैं समझता हूं कि किसानों के लिए बहुत अच्छा अवसर था एक 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट में उतरने का, और जितना मर्जी वो प्रोड्यूस करते वो सारा का सारा ये सोसाइटीज खरीदती, बहुत अच्छा विकल्प था। इससे आमदनी भी बढ़ती, देश की जो कमी है इन फसलों की, इसमें कुछ चीजें इंपोर्ट की जाती वो भी पूरी होती, और एमएसपी की जो कमी किसानों को महसूस हो रही है उसका भी भरण यहां से हो जाना था। किसानों ने मुझे लगता है रिजेक्ट करके एक ऐसा अवसर निकाल दिया जहां से एक शुरुआत हो सकती थी बाकी की फसलों पर भी एमएसपी को लाने की, बाकी की फसलों पर भी इसी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को लाने की। 2014 से 2024 तक हम धान का लें, हम गेहूं का लें, किसी भी चीज की हम कीमत उठा के देखें, आप देखेंगे कि आंकड़े स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जब जब भी सरकार को मौका लगा सरकार ने उसकी सपोर्ट प्राइस बढ़ाई है जितनी बढ़ सकती थी। सरकार को यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि इस कीमत को बेतहाशा बढ़ाने से कहीं ऐसा ना हो जाए कि इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ जाए और लोगों के लिए फूड ग्रेन इन्फ्लेशन जिसको हम कहते हैं, लोगों के लिए सामान खरीदना और कठिन हो जाए। इस बात को देखते हुए मुझे लग रहा है कि एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है, एक तरफ किसानों का हित भी ध्यान में रखा जाए और एक तरफ आम उपभोक्ता को भी दिमाग में रख के चला जाए कि कहीं आम उपभोक्ता के लिए ये खाने पीने का सामान, ये फूड ग्रेन्स उनकी पहुंच से बाहर ना हो जाए। हम सब जानते हैं 2-3 साल पहले देश ने किस प्रकार, जब रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ उसके बाद सप्लाई डिसरप्शन आई, तो देश ने ही नहीं पूरे विश्व ने किस प्रकार मुद्रास्फीति से लड़ाई लड़ी है, और आज भी मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन पूरी तरह से आरबीआई के जो पैरामीटर्स हैं उसके अंतर्गत नहीं आई है, अभी भी वो पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है, काफी हद तक कंट्रोल में है। तो हम सोच सकते हैं कि अगर फूड ग्रेन्स की प्राइसेस और बढ़ गई तो ये इन्फ्लेशन कहां जाके रुकेगा। किसान आंदोलन में जो मांगे रखी गई हैं, मुझे लगता है उसमें से ज्यादातर मांगे इस परिस्थिति में, इस समय, उनको मानना सरकार के लिए पूरी तरह से उसी शेप में संभव नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर मैं लेता हूं, वो एमएसपी को लॉ बनवाना चाहते हैं। तो एमएसपी को लॉ बनवाने का मतलब है कि अगर 40 लाख करोड़ की हमारी टोटल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है और उसमें से जो 23 क्रॉप्स है जिनपे एमएसपी लागू है, उसमें से 10 लाख करोड़ सरकार को खरीदना पड़ेगा। हमारा कुल बजट 47 लाख करोड़ का अभी आया था हाल में, इसका मतलब उसका करीब करीब 20-25% के बीच में सिर्फ और सिर्फ सरकार का फसल को खरीदने में जाएगा, जबकि हमारा केपेक्स 11,111 करोड़ का इस बार था। तो डिफेंस का क्या होगा, हेल्थ का क्या होगा, एजुकेशन का क्या होगा, जितने भी क्षेत्रों में भारत इस समय विकास कर रहा है उसके लिए जो एलोकेशन हुई है उस सब पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये एमएसपी की मांग, एमएसपी पर कानून बनाने की मांग इस समय जायज नहीं है, इस पर और चिंतन करने की जरूरत है, इसके और विकल्प निकालने की आवश्यकता है।